दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। झारखंड में अगले 5 दिनों तक गर्मी से नहीं मिलेगी राहत। झारखंड में अगले 5 दिनों तक गर्मी से राहत मिलने की संभावना नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार इस दौरान कहीं कहीं हल्के और मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है, लेकिन अगले 5 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। वहीं उत्तर पश्चिमी भागों में कहीं कहीं लू चलने की संभावना है, जिनमें पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार और लोहरदगा जिले के इलाके भी शामिल हैं। बड़ी खबर है, झारखंड में गृह विभाग सहित 55,000 से अधिक पदों पर होगी भर्ती। झारखंड के सीएम श्री हेमंत सोरेन ने गृह विभाग, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग एवं वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अधिकारियों को रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा कि इन तीनों विभागों में नियुक्ति नियमावलियों की सभी बाधाओं को दूर करते हुए 1 माह के अंदर अधियाचना झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी जेएसएससी को भेज दे। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड सरकार सभी विभागीय रिक्तियों को शीघ्रता से भरने के लिए प्रतिबद्ध है। झारखंड के गृह विभाग के 13,473, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के 38,000, वन विभाग के 4,051 विभिन्न श्रेणियों के रिक्त पदों की जानकारी सीएम हेमंत सोरेन को दी गई। बड़ी खबर है, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के कमरे में लगी आग। जी हां, झारखंड के पलामू से बड़ी खबर है। यहां के सर्किट हाउस में रुके राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के कमरे में अचानक आग लग गई। हालांकि समय रहते हुए आग पर काबू पा लिया गया। बता दी कि यह आग उनके कमरे के दीवार पर टंगे पंखे में शॉर्ट सर्किट के कारण लगी थी। घटना में लालू यादव को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। दरअसल आग लगने की इस घटना मंगलवार सुबह की बताई जा रही है। उस समय लालू प्रसाद यादव डाइनिंग हॉल में अखबार पढ़ रहे थे। आग लगने की खबर मिलते ही हड़कंप मच गया आनन फानन में। तुरंत सर्किट हाउस के कर्मचारियों ने मोर्चा संभाल लिया, बिजली का कनेक्शन काट दिया गया। अब स्थिति को नियंत्रित कर लिया गया है। दोस्तों, बेहद बड़ी खबर सामने है। इस दिन जारी हो सकता है झारखंड बोर्ड की कक्षा 10वीं व 12वीं का रिजल्ट। झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक जल्द ही कक्षा 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी कर सकता है। इस साल की बोर्ड परीक्षा देने वाले रिजल्ट का इंतजार बहुत जल्द खत्म होने की संभावना जताई गई है। खबरों को माने तो झारखंड बोर्ड 15 जून 2022 तक कक्षा 10वीं 12वीं के रिजल्ट जारी कर सकता है। एक बार रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र झारखंड बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट jackresults.com पर जाकर 10वीं 12वीं का रिजल्ट ऑनलाइन देख सकेंगे। हालांकि फिलहाल जेएससी यानी जैक द्वारा 10वीं 12वीं रिजल्ट 2022 के रिजल्टों की तारीख आधिकारिक तौर पर घोषित नहीं की गई है। बड़ी खबर है, IRCTC की नई पहल, रेलवे यात्रियों को परोसेगा सात्विक भोजन। इंडियन रेलवे अब ट्रेन में सफर करने वाले उन यात्रियों के लिए सात्विक भोजन उपलब्ध करवाएगा जो सफर में खाने की साफ सफाई को लेकर बेहद चिंतित रहते हैं। भारतीय रेलवे के कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी IRCTC को उम्मीद है कि इस पहल से यात्रियों को सात्विक भोजन न मिलने की चिंताओं से मुक्ति मिलेगी। खबरों को माने तो जिन यात्रियों को सफर के दौरान सात्विक भोजन की सुविधा चाहिए, उन्हें IRCTC उनके बर्थ पर पहुंचाने का काम करेगा। इसके अलावा IRCTC ने इसकी पहल स्वच्छता सफाई के अलावा भारतीय लोगों की धार्मिक आस्था को ध्यान में रखते हुए किया है। बड़ी खबर है, CSE की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, 69% कम हुई जमीन की उपजाऊ। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट ने यानी CSE ने झारखंड में भूमि क्षरण पर एक अध्ययन किया है। झारखंड में भूमि की उत्पादकता तेजी से घट रही है। हालांकि झारखंड अपनी प्राकृतिक सुंदरता, हरे भरे परिदृश्य, मूसलाधार जलप्रपात, जंगल और कृषि की अपार संभावनाओं के लिए जाना जाता है, लेकिन चिंता की बात यह है कि झारखंड उन शीर्ष 3 राज्यों में शामिल है जहां 30% से अधिक भूमि का क्षरण हो रहा है। इस तरह से CSE से झारखंड में 69% भूमि क्षरण का चौंका देने वाला आंकड़ा सामने आया है। झारखंड जहां पर सरकारी आंकड़ों के अनुसार 58 लाख किसान रहते हैं, ऐसे
राज्य के लिए भूमि की घटती उत्पादकता किसानों और कृषि आधारित उद्योग या कृषि क्षेत्र पर निर्भर लोगों के लिए अच्छी खबर नहीं कही जा सकती है। पुलिस को आधुनिक बनाने के लिए केंद्र सरकार ने जारी किए 126 करोड़ रुपए। केंद्र सरकार ने देश के विभिन्न राज्यों के पुलिस बलों के आधुनिकीकरण, पुलिस थानों के निर्माण और कई अन्य योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए 126 करोड़ रुपए जारी किए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा सुरक्षा संबंधी व्यय योजना के तहत छत्तीसगढ़ को 22.59 करोड़ रुपए, झारखंड को 2.63 करोड़ रुपए और उड़ीसा को 14.76 करोड़ रुपए की राशि जारी की। गौरतलब है कि SRE के लिए प्रतिपूर्ति उग्रवाद से गंभीर रूप से प्रभावित राज्यों को दी जाती है। इसके तहत राज्यों द्वारा भारतीय रिजर्व बटालियनों बटालियनों की स्थापना, केंद्रीय पुलिस बलों को प्रदान किए गए रसद, सेना सहित अन्य मदों पर किए गए खर्च की प्रतिपूर्ति की जा रही है। SCA राज्यों को उनकी अनुसूचित जाति उपयोजना के रूप में प्रदान किया जाता है। SCA से SCSP का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जातियों के लिए विकास कार्यक्रमों पर जोर देना है। केंद्र सरकार राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करके अपने पुलिस बलों को पूरी तरह से आधुनिक बनाने और आधुनिक उपकरणों से लैस करने के लिए सहायता प्रदान करती है। बड़ी खबर है, देश में बीते 24 घंटे में मिले कोरोना के 3714 नए मामले। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से मंगलवार सुबह 8 बजे जारी अद्यतन आंकड़ों के अनुसार भारत में संक्रमण से 7 और लोगों की मौत के बाद मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 5,24,708 हो गई है। पिछले 24 घंटे में उपचाराधीन मरीजों की संख्या में 1,194 की बढ़ोतरी दर्ज की गई। वहीं मरीजों के रिकवर होने की राष्ट्रीय दर 98.72% है। ताजा आंकड़ों के अनुसार दैनिक संक्रमण दर 1.21%, जबकि साप्ताहिक संक्रमण दर 0.97% है। देश में अभी तक कुल 4,26,33,365 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं और COVID-19 से मृत्यु दर 1.22% है। वहीं राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अभी तक COVID-19 रोधी टीकों की 194.27 करोड़ से अधिक डोज दी जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि अब तक जिन लोगों की कोरोना वायरस के संक्रमण से मौत हुई है उनमें से 70% से अधिक को अन्य बीमारियां भी थीं। झारखंड में 15 जून के आसपास शुरू होगी मानसून की बारिश। झारखंड में 15 जून के आसपास मानसून की बारिश शुरू हो सकती है। अभी मानसून नॉर्थ ईस्ट वाले इलाके में है। सिल्लीगुड़ी पश्चिम बंगाल के आसपास बंगाल की खाड़ी से आने वाला मानसून दिख रहा है। इसके अतिरिक्त अरब सागर की ओर से आने वाला मानसून अभी कर्नाटक के पास केंद्रित है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अगले 4-5 दिनों में मानसून आने की स्थिति नहीं है। 15 जून के आसपास झारखंड में मानसून आने की संभावना है। तब तक मौसम इसी तरह रहेगा। अभी उत्तर प्रदेश से एक निम्न दबाव बांग्लादेश की ओर जा रहा है, इसका असर संताल परगना वाले इलाके में रहेगा। इन इलाकों में आने वाले दिनों में कुछ हिस्सों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। बिना डॉक्टर के पर्ची के इन 16 दवाओं को मेडिकल स्टोर से खरीद सकेंगे लोग। भारत के राजपत्र में प्रकाशित एक मसौदा अधिसूचना के अनुसार सरकार ने कानून में संशोधन करके आमतौर पर इस्तेमाल होने वाली 16 दवाओं जैसे पैरासीटामोल को काउंटर पर बेचने की अनुमति देने की योजना बनाई है। ओवर द काउंटर बिक्री का मतलब है कि एक दवा को डॉक्टर के पर्चे के बिना खुदरा बाजार फार्मेसियों से खरीदा जा सकता है। ऐसे देश में जहां एंटीबायोटिक्स सहित कई दवाएं काउंटर पर बेची जाती हैं, यह संभवतः पहली बार है जब सरकार उन दवाओं को सूचीबद्ध करने के उपाय कर रही है जिन्हें बिना डॉक्टर के पर्चे के बेचा जा सकता है। बिना डॉक्टर के पर्चे के बेची जाने वाली अन्य दवाओं में कुछ डिकोंगेस्टेंट, आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले दस्त के साथ साथ कुछ माउथ वॉश, एंटी मुहासे क्रीम और क्रीम के रूप में सामयिक दर्द निवारक शामिल है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने इस उद्देश्य के लिए कुछ शर्तों के साथ ड्रग्स रेगुलेशन एक्ट 1945 में बदलाव का प्रस्ताव दिया है, जिसमें उस दवा के साथ उपचार
5 दिनों से अधिक समय तक जारी रहना चाहिए। यदि लक्षण ठीक नहीं होते हैं तो रोगी को डॉक्टर से परामर्श करने की आवश्यकता होती है। किसानों को अपनी भाषा में SMS के जरिए मुफ्त में मिलेगी मौसम पूर्वानुमान की जानकारी। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD किसानों को स्थानीय स्तर पर मौसम पूर्वानुमान की जानकारी देने की तैयारी कर रहा है। जल्द ही किसान अपने ब्लॉक और गांव स्तर तक की मौसम की जानकारी अपनी भाषा में प्राप्त कर सकेंगे। यह सेवा बिल्कुल फ्री होगी। किसानों को केवल एक डेडिकेटेड नंबर पर कॉल करना होगा। इसके लिए जल्द ही एक नंबर जारी किया जाएगा। यह नंबर केवल मौसम पूर्वानुमान की जानकारी के लिए होगा और किसान जैसे ही नंबर डायल करेंगे उन्हें स्थानीय भाषा में मौसम पूर्वानुमान की संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। खेती किसानी के लिए यह सही समय पर मौसम पूर्वानुमान की जानकारी काफी महत्वपूर्ण है। प्राप्त सूचना के आधार पर किसान अपनी तैयारी करेंगे, इससे वे नुकसान से बच सकते हैं। यह उत्पादन बढ़ाने और किसानों की आय में बढ़ोतरी करने में भी मददगार होगा। मौसम पूर्वानुमान के आधार पर किसान सिंचाई से लेकर खाद छिड़काव तक की व्यवस्था पहले ही कर लेंगे। कई बार ऐसा होता है कि किसान बारिश होने की जानकारी नहीं होने के अभाव में सिंचाई कर देते हैं। अगर उन्हें पहले से जानकारी मिल जाएगी तो वे सिंचाई नहीं करेंगे और उनके लागत में कमी आएगी। बड़ी खबर है, रेलवे ने नई लगेज पॉलिसी को बताया अफवाह, सामान ले जाने पर नहीं लगेगा एक्स्ट्रा चार्ज। इस मामले में रेलवे ने सफाई दी है। रेलवे ने लगेज पॉलिसी के बदलाव को अफवाह करार दिया है। इंडियन रेलवे ने साफ तौर पर कहा है कि आपको ट्रेन में बिना बुकिंग के सामान ले जाने पर कोई भी अतिरिक्त पैसे नहीं खर्च करना होगा। रेलवे ने दी जानकारी रेलवे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कू पर कहा है कि कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और डिजिटल न्यूज चैनलों पर एक खबर प्रकाशित की गई है जिसमें कहा गया है कि रेलवे ने अपनी लगेज पॉलिसी में बदलाव किया है। ऐसे में रेलवे का कहना है कि इस मामले में कोई आदेश नहीं जारी किया गया है। मौजूदा समय में रेलवे की 10 साल पुरानी लगेज पॉलिसी है जो कि अभी तक लागू है। नियमों के मुताबिक यात्री जिस श्रेणी में यात्रा कर रहे हैं उसके आधार पर 40 किलोग्राम से 70 किलोग्राम तक का भारी सामान ले जा सकते हैं। अगर सामान लिमिट से अधिक है तो यात्री को अतिरिक्त शुल्क देना पड़ सकता है। ITBP में 12वीं पास युवाओं के लिए बम्पर भर्तियां। सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी ITBP की ओर से खुशखबरी है। ITBP ने 12वीं पास युवाओं के लिए बम्पर भर्तियां निकाली हैं। हेड कांस्टेबल और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के 286 पदों पर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 8 जून 2022 से शुरू हो जाएंगी। ITBP की ओर से इसका आधिकारिक नोटिफिकेशन ITBPolice.NIC.IN पर जारी कर दिया गया है। इस भर्ती के माध्यम से डायरेक्ट एंट्री एंड लिमिटेड विभागीय प्रतियोगी परीक्षा LDCE के तहत 286 रिक्त पदों को भरा जाएगा। ITBP के इन विभिन्न पदों पर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 8 जून 2022 से शुरू हो जाएगी। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तारीख 7 जुलाई 2022 निर्धारित की गई है। सभी उम्मीदवारों को 7 जुलाई तक आवेदन शुल्क जमा करके फॉर्म कंप्लीट करना होगा। इसके बाद आवेदन का लिंक इनएक्टिव हो जाएगा। हेड कांस्टेबल और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवार किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास होने चाहिए। इसके अलावा उम्मीदवारों को हिंदी और अंग्रेजी की टाइपिंग का ज्ञान होना जरूरी है।